दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को हम दिखाने वाले हैं। आप लोग दोस्तों फेसबुक यूज करते हैं तो दोस्तों आप लोग को ये बात भी मालूम होना जरूरी है। किस लिए दोस्तों आप लोग हर टाइम फेसबुक देखते हैं? कोई ऐसा टाइम होता है आप लोग को एक वीडियो इतना पसंद आ गया है कि आप लोग का काम भी आ गया है, आप लोग इस वीडियो को छोड़ के जा नहीं सकते इसको देखे बिना। इसी तरह हो जाता है कभी कभी के इस वीडियो को पूरा देख के जाओ। अगर दोस्तों आप लोग उस वीडियो को पूरा देखेंगे तो दोस्तों आपका काम लॉस हो जाएगा और आपका जो काम है वो बेकार हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग कैसे आपका जो फेसबुक है वहां पे सेव करके रखेंगे बिना डाउनलोड करके? आप लोग दोस्तों अगर चाहते हैं कि उस वीडियो को सेव करके रखना है और मेरा काम जब खत्म हो जाएगा तब जाके हम फिर से उस वीडियो को देख पाए ऐसे करना चाहते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। हम इसमें आप लोगों को पूरा डिटेल में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को देखते रहिए, हम आप लोग को दिखाते हैं मोबाइल का स्क्रीन पर। तो दोस्तों हमने अभी मोबाइल का स्क्रीन पर आ गया हूं। मोबाइल का स्क्रीन पर आके फेसबुक को लॉग इन कर लिया हूँ। यहाँ पे हम उस पेज का ऊपर भी आ गया हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने इस वीडियो को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद दोस्तों हम इस वीडियो को देख रहा हूँ। मेरा एक जरूरी काम में जाना है, इस वीडियो को छोड़ के भी जा नहीं सकते और यहाँ पे जाने से मेरा जो वीडियो है वो उसको देख नहीं पाएंगे। तो इसको बिना डाउनलोड करके सेव करके आप लोग जा पाएंगे। आप लोग को एक ही क्लिक का काम है। आप लोग को दोस्तों उस वीडियो का ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे नीचे 3 डॉट का ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे दोस्तों आप लोग सेव रील जो है इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये देखिए सेव टू योर रील्स प्रोफाइल, ये जो वीडियो है सेव हो गया है। वो कहाँ होता है और कैसे आप लोग देख पाएंगे उसको भी हम अभी आप लोग को ओपन करके दिखाऊंगा। दोस्तों यहाँ से बैक जाती हूँ, ये दोस्तों हम रील दिखाया था सेम दोस्तों उसी तरह आप लोग अगर किसी भी वीडियो को आप लोग सेव करना चाहते तो दोस्तों उस वीडियो का ऊपर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों यहाँ पे आप लोग को 3 डॉट मिल जाएगा देखने को। आप लोग दोस्तों इस 3 डॉट का ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेव वीडियो जो है इसका ऊपर क्लिक करना है। आप लोग इसका ऊपर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे दोस्तों आप लोग न्यू फोल्डर भी बना सकते हैं या दोस्तों आप लोग अगर पहले से फोल्डर बनाया हुआ है तो दोस्तों उसमें आप लोग सेव कर सकते हैं। हम यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हो, न्यू फोल्डर बना के क्रिएट कर लिया, उसके बाद दोस्तों हम उसी फोल्डर पे सेव हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो कहाँ जाके सेव होता है? आप लोग को दोस्तों यहाँ पे 3 डॉट का ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए। करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर दीजिए और यहाँ पे आप लोग को सेव ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आप लोग दोस्तों इसका ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों जब क्लिक करेंगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम एक रील को सेव किया था। ये रील है और ये वीडियो है। हम आप लोगों को दोनों को दिखाएंगे ओपन करके, डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। ये बिना डाउनलोड करके वीडियो सेव हुआ, ये देखिए दोस्तों। उसके बाद हम वीडियो को भी ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वीडियो अभी ओपन हो गया है बिना डाउनलोड करके। तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से फेसबुक में आप लोग बिना डाउनलोड करके वीडियो को सेव कर सकते हैं। अगर दोस्तों मेरे इस वीडियो को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए।